माय डियर मिथवॉकर, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के बढ़िया रहना आगे भी बढ़िया। ये रहे कुछ इन दस बैटल रॉयल के वीड लोग मैप है, मेरे पास कुछ कीज वगैरह है, बट ये सब तो चीज़ खैर बात की बात है। मैं तुम लोग से आज एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारी स्क्वाड ना यहाँ पे क्वालिफाई कर गई है इन द सिंफोनी 2024 लैंड इवेंट के लिए। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे स्क्वाड का एक्सपीरियंस क्या था, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी लोग इन दस बैटल के ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो तुम लोग के लिए काफी ज्यादा। चलो मैं तुमको अब सब कुछ बताता हूँ शुरू से लेकर के अभी तक, कि हमारी टीम कैसे क्वालिफाई करी है, कितने मैचेस खेलने वाले हैं, हमारी स्क्वाड क्या परफॉर्म करी है, कुछ गलती जो हम लोगों ने करी है वो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, ताकि हर एक जो तुम लोग मैचेस खेलो ना उसमें इस पॉइंट को अगर ध्यान रखोगे तो तुम लोग भी क्वालिफाई वगैरह कर सकते हो मिथवॉकर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन न्यू वीडियो की तुमको मिल जाए। तो ये स्टोरी है 18 मई की, डिस्कॉर्ड में एक नोटिफिकेशन आता है, और हाँ तुम लोग भी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो 18 मई को एक नोटिफिकेशन आता है, बहुत ही खतरनाक नोटिफिकेशन वो रहता है, सभी लोग देख करके हिल जाते हैं। वहां पे ऑफिशियल अनाउंस किया जाता है कि लैन इवेंट होने वाला है जिसका नाम है इन द सिंफोनी 2024। अब देखो इस प्रोसेस में पूरे के पूरे 75 टीम्स है ना रजिस्टर्ड करती है, ठीक है, और 75 टीम्स में से बस और बस टॉप 10 टीम्स ही सिलेक्ट होने थे। अब देखो 75 टीम्स जो रहते हैं ना उसको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, 18 मई से लेकर के 20 मई तक, कि जल्दी से अपने स्क्वाड को रजिस्टर कर लीजिए, 20 मई के बाद मैचेस होने वाले हैं। तो अब इस 75 टीम्स को है ना ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई एंड लास्ट ग्रुप एफ। ग्रुप एफ तक जाता है और सब ग्रुप्स में 12-12 टीम रजिस्टर रहती है, मतलब 12-12 टीम्स रहता है, आप समझ लो कितना ज्यादा हाई कंपटीशन है। बाद यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे अभी मैं तुमको कुछ समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। अभी मैंने तुमसे बात करी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की, इस चीज को ध्यान से समझना। स्टेज 1 में ना 75 टीम्स खेली, ठीक है, स्टेज 2 में बस और बस 24 टीम्स ही जा पाई। देखिए 75 टीम्स थी स्टेज 1 में, लेकिन स्टेज 2 में गाइस बस और बस 24 टीम्स ही जा पाई। अब स्टेज 3 के लिए 24 टीम्स को खेलना पड़ा और 24 टीम्स में से बस 12 टीम ही जा पाई स्टेज 3 में। बट हाँ, यहाँ पे रॉबी सर ने बोला कि 14 टीम्स खेलेंगी और 14 टीम्स खेलने के बाद जो फाइनल सेलेक्ट होंगे ना वो 10 ही सेलेक्ट होंगे। तो स्टेज 3 14 टीम्स खेली और 14 टीम्स में से 4 टीम्स सेलेक्ट, मतलब 4 टीम्स आउट हो गई, छटा गई, टॉप 10 टीम्स ही लेनी थी और टॉप 10 में तुम्हारा भाई पी ब्रदर्स स्क्वाड लास्ट टॉप 10 पे था, है ना। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले अभी एंड्रॉयड टूर्नामेंट हुआ है, वहां से बस एक टीम जो नंबर 1 पे था उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगा, वो भी लैंड टूर्नामेंट के लिए। तो हम लोग टॉप 10 हो गए, ठीक है, हमारी मतलब टॉप 10 स्क्वाड हो गई, और एक एंड्रॉयड टूर्नामेंट से जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ 11, और तुमको याद होगा इन दस अनचेंज 2024 अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था, वहां से टॉप 3 टीम्स निकली थी। जहाँ तक मेरे को लगता है कि वही टॉप 3 या फिर टॉप 4 टीम्स को इनवाइटेड है, और मेरे को मुंह पे याद है टॉप 3 टीम्स का नाम, वो मैं तुमको बता देता हूँ, इनकेस अगर मैं भूल गया हूँ तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। पहला है मॉग, ठीक है, दूसरा है XRL और तीसरा है DGE और चौथा पता नहीं PS है या फिर नहीं है, ये मेरे को नहीं पता है, सॉरी गाइस, थोड़ा माफ़ करना, मेरे को शायद भूल गया हूँ, तो नीचे कमेंट कर देना। तो ये सारी टीम्स खेलेंगी फाइनल्स के लिए, ठीक है, फाइनल्स में जाएंगे, जो कि 1 जून को होने वाला है इंदस के हेडक्वार्टर में। तो तुम्हारा भाई का स्क्वाड यहाँ पे सेलेक्ट है दोस्तों, और हम लोग अपने स्क्वाड के साथ जाएंगे, हम लोग का टिकट्स वगैरह सब कुछ हो गया, साइड में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैं तुम लोग को प्रोवाइड यहाँ पे कर देता हूँ, मैचेस वगैरह के क्या क्या सीन जो चला था, कितने कितने पॉइंट्स हम लोगों ने इकट्ठा किया। सो डियर मिथवॉकर, ये सब थी लैंड टूर्नामेंट का सब कुछ होल प्रोसेस, जो कि मैं तुम लोग को शुरू से लेकर के अभी तक बता दिया हूँ। पता है कि जो भी लोग लैंड के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए ना, उनके लिए एक और टूर्नामेंट होने वाला है, रॉबी सर ने अनाउंस किया था, उसका नोटिफिकेशन तुम लोग को डिस्कॉर्ड से मिल जाएगा। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जल्दी से और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लो। फिलहाल अब टॉपिक पे वापस आते हैं, मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस, अपने स्क्वाड का एक्सपीरियंस वगैरह बता देता हूँ। देखो अगर कोई भी प्लेयर को ई स्पोर्ट्स में एंटर करना है ना, तो ये चीज़ तुम लोग जरूर सुनो जो कि मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ। चलो देखते हैं इस चीज़ को कि क्या हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब आप एंटर करो ई स्पोर्ट्स में, तो ई स्पोर्ट्स में एंटर करने के टाइम पर आपको पहले अपने टीम के रोल सेट करने हैं। पहले क्या रोल आता है, IGL सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सेकेंड है आपका एंट्री फ्रैगर, थर्ड है आपका फ्रैगिंग, फोर्थ है आपका सपोर्ट। सबसे पहले IGL की बात करते हैं। IGL मतलब इन गेम लीडर, जो आपके पूरी टीम को पूरे गेम के दौरान लीड करेगा, बताएगा कि कैसे खेलना है, कहाँ जाना है, किस फाइट को लेना है, किस फाइट को नहीं लेना है, जोन कहाँ लेना है, डिसीजन मेकिंग क्या है टीम की, वो सब चीज़ IGL के हाथ में रहती है। सेकंड आती है आपकी एंट्री फ्रैगर। एंट्री फ्रैगर वो बंदा है जो आपका बेसिकली आपकी टीम का खुला सांड है, जो बिना डरे बिंदास होकर खेलता है कॉन्फिडेंस के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस बार मिस आउट मत करना। अब आते हैं सबसे फ्लैशी रोल के बारे में, जो है फ्रैगर।
जहाँ आपको स्किल्स दिखते हैं भाई। ट्रैकर बनना है, कैंपर बनना पड़ेगा, टीवी भी लेना पड़ेगा, चीफ बनना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज किल चोरी करना है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये देखो यार, थोड़ा सा सुनने में और लगता है, बट यही चीज एक प्लेयर को एमवीपी की तरफ बनाता है। अब फाइनल रोल सबसे इंपोर्टेंट नहीं बोल सकते, बैकबोन बोल सकते टीम का, सपोर्ट प्लेयर। सपोर्ट प्लेयर क्या है? सपोर्ट प्लेयर मतलब जो सेल्फलेस प्लेयर है, मतलब उसको किल्स से मतलब नहीं है, उसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना है टीम के लिए। तो सपोर्ट प्लेयर नॉर्मली होता कौन है? सबसे ज्यादा गेम सेंस कैरी करता है। रीजन, क्योंकि उसके सामने अगर किल दिख रहा है और उसके सामने उसके बंदे डेंजर में, तो अपने बंदों को बचाकर ना कि किल ले। तो ये चार रोल आप पहले अपना पूरा अच्छे से सॉर्ट। मैं तुमको यही कहना चाहूंगा कि जब हम लोग गेम प्ले कर रहे थे, ठीक है, हम लोग ने पूरे के पूरे इन्फोनियो का जो मैचेस स्टेजेस वगैरह खेले, क्वार्टर फाइनल्स खेला, हम लोगों ने प्लेऑफ्स खेला, हम लोगों ने मैचेस खेले, तो उसमें हम लोगों ने चीज एक चीज गौर करी कि तुम लोग का जो आईजीएल है वो एकदम बेटर होना चाहिए। अगर आईजीएल बेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग का जो स्क्वाड कम्बाइनेशन होना चाहिए ना वो एकदम मस्त होना चाहिए। अगर तुम्हारी टीम में स्क्वाड कम्बाइनेशन नहीं है ना, तो तुम लोग हर एक मैच हार सकते हो, और उसके बाद तुम लोग का जब स्क्वाड कम्बाइनेशन सही नहीं होगा ना, तो तुम लोग के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, उसकी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारी बातें उसको अच्छी नहीं लगेंगी, तुम्हारी बातें एक टीम को एक प्लेयर को अच्छी लगेंगी लेकिन दूसरे प्लेयर को अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुमको संभालना पड़ेगा, अपने स्क्वाड को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे स्क्वाड मैच खेल रहे हो, ना कि सोलो खेल रहे हो, ना कि डुओ खेल रहे हो। तो तुम्हारे मन से ऊपर वो तीनों मान है ऐसा नहीं है, और तुम जो सोच रहे हो वो तीनों सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कम्बाइनेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्बाइनेशन नहीं बना तुम्हारे स्क्वाड में, तो तुम लोग हर एक मैच हार सकते हो। ये चीज़ मैंने गौर करी है, ठीक है। और इस पे तुम लोग को और मैं डिटेल में अभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हो ना कि हम लोगों ने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गेम प्लेस किए, कैसे हम लोगों ने पॉइंट्स निकाला, तो तुम लोग कमेंट करोगे ना, तो मैं तुमको पार्ट टू वीडियो में जरूर ये सारी चीज़ें बताऊँगा, और भी कुछ टेक्निक्स वगैरह बताऊँगा। और जो लोगों को मेरे स्क्वाड में आना है लाइनअप टू वगैरह मैं बनाऊँगा, तो तुम लोग बिल्कुल तुम लोग फ्री हो, मेरे आ सकते हो स्क्वाड में, लाइनअप टू वगैरह बना करके खेलेंगे दोस्तों। लिटरली गाइस, मैं अपने स्क्वाड के बारे में मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं अपने स्क्वाड का मेन कैप्टन हूँ, पी ब्रदर्स, ठीक है। दूसरा प्लेयर जो है वो पी बी चैम्प है, तीसरा प्लेयर जो है वो पी बी कसुका है, और चौथा प्लेयर जो है ना वो पी बी निंजा जॉर्ड है। इन तीनों के बारे में बता दूं तो देखो, पी ब्रदर्स, मैं, पी बी चैम्प और पी बी निंजा जॉर्ड, ये तीनों बिहार का है, और चौथा प्लेयर जो है वो पुणे का ही है। तो हम तीनों का फ्लाइट वगैरह हो चुका है, जो चौथा प्लेयर है उसके लिए कैब वगैरह वहाँ पे हो जाएगा, सब कुछ जुगाड़ वगैरह हो चुका है। एकदम खतरनाक ब्लॉग बनेगा, ब्लॉग एकदम इंटरेस्टिंग होगा, तो देखते ब्लॉग में क्या होगा। और गाइस लिटरली अब मैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूं। तुम पता है तुम्हारा भाई स्क्वाड सेलेक्ट हो गया, पी बी स्क्वाड सेलेक्ट हो गया, मैंने कुछ लोगो वगैरह बनाए हैं, 1 2 3 4 देख सकते हो, कौन सा पसंद है, पहला नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, तीसरा वाला, या फिर चौथा वाला, नीचे कमेंट जरूर करना। मैंने खुद बनाया ये लोगो, काफ़ी दिन से चल रहा था दिमाग में कि ऐसा लोगो मैं बनाऊँ अपने स्क्वाड के लिए पी बी ई स्पोर्ट्स का। और फिलहाल दोस्तों मैं तुमको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब हमारे का पूरा का पूरा स्क्वाड का टिकट्स वगैरह बुक हो गया हूँ। मैं बिहार का हूँ बट अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो चंडीगढ़ से हमारी फ्लाइट है 31st को। पूरा ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि हर एक चीज़ तुमको पता चले। इंदस का हेडक्वार्टर देखेंगे, सारे स्क्वाड से मिलेंगे, सारे टीम से मिलेंगे, अच्छा लगेगा। पूरा ब्लॉग मैं तुम लोग को बना करके देने वाला हूँ, तो आने वाली वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सच कह रहा हूँ। चैलेंज दे रहा हूँ, एकदम मजा आएगा तुम लोग को वीडियो में, सारे लोग तुमको दिखेंगे दोस्तों हमारे ब्लॉग में। तो बस मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।